आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अद्भुत शब्द की, जो कि है नीट। अगर आपने भी यह नाम पहली बार सुना है तो आप सही वीडियो पर हैं। नीट क्या होता है? नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन ये तो इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर आपने डॉक्टर बनना है और MBBS का कोर्स करना है तो आपको देना होगा MBBS का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे जाना जाता है नीट के नाम से। तो अब इसे कब लागू किया गया? क्या नीट नहीं थी? इससे पहले भी MBBS में प्रवेश एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होते थे या फिर सीधे ही हो जाते थे? तो इन सब के बारे में जानकारी पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि व्हाट इज़ नीट। शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं इसके पास्ट में। तो जब नीट नहीं था तो MBBS में एग्ज़ाम के लिए अलग अलग 90 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को करवाया जाता था, जिसे कंडक्ट करवाता था AIPMT CBSE बोर्ड। और ये जो एग्ज़ाम्स है, 90 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ये इंडिया के 479 मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए लिए जाते थे। तो ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होते थे, तो फिर नीट की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीट की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एवरी स्टेट कंडक्ट डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है वो करवाए जाते थे, जिसके कारण एक स्टूडेंट को एक साथ 7 से 8 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है वो MBBS में प्रवेश के लिए देने पड़ते थे। तो इसी स्टूडेंट के इसी बर्डन को कम करने के लिए शुरू किया गया नीट, मतलब कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और जो ये स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो थे दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WebJEE, EAMCET। इन एग्ज़ाम्स को करवाया जाता था अलग अलग राज्यों में। और फिर आई नीट। अब नीट में भी दो तरह के होते हैं, एक तो UG कोर्स होता है और एक होता है PG कोर्स। UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट, PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप सबसे पहले आपको करना होता है UG कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट, उसमें आप MBBS या फिर BDS में प्रवेश ले सकते हैं इस कोर्स को करके, ठीक है। वो रैंक वाइज डिसाइड किया जाता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर आपके पास UG की डिग्री है तो आप PG में प्रवेश ले सकते हैं और उसमें आप MS एंड MD की डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी नीट की। अगर बात करें 2019 में, तो 2019 में नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 5 मई 2019 को और इसका रिजल्ट 5 जून 2019 को घोषित कर दिया गया, यानी कि इसके एग्जामिनेशन से लेकर इसके रिजल्ट तक की प्रक्रिया को 1 महीने के भीतर ही कंप्लीट करवा दिया गया। अब की बार जो एंट्रेंस जो नीट का एग्ज़ाम करवा रहे हैं वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा नीट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। पिछली बार 2019 में भी NTA द्वारा ही नीट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब इसके लिए कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि यह एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और ये ऑफलाइन और ये ऑफलाइन होता है। आने वाले सालों में ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन, ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले नीट में साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा। पीछे इसके लिए न्यूज़ में भी आ रहा था कि नीट को 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE करवाया जाता है, मेंस और उसके एडवांस। इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे की होती है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। और इस एग्ज़ाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। अगर आगे बात की जाए तो नीट में अपीयर होने के लिए मैथ्स होना ज़रूरी नहीं होता। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, जबकि इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, जबकि
ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो लिमिट है वो 40% है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट कितने भी अटैम्प्ट ले सकता है, इसमें कोई भी कैंडिडेट के ऊपर बर्डन नहीं है। कैंडिडेट का इंडियन होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी नीट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस, इसके पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक और इसके आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर भी, ठीक है। तो अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हैं, किसी भी तरह का नीट से रिलेटेड डाउट रहता है, तो आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड हर एक डाउट का जो वीडियो है वो अवेलेबल मिलेगा। भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके कॉलेज रिव्यूज़ के वीडियोस भी जो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ नीट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार या फिर NTA द्वारा जारी किए जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।